पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। ना सुन सुन कर ना थक गई हूँ मैं। यहाँ पे भी किसी और को फाइनल कर दिया गरबा इवेंट के लिए। इसीलिए तो बोल रहा हूँ वो इवेंट कर लो, पैसे भी अच्छे खासे दे रहे हैं। मैंने अपनी वैल्यू जानती हूँ, तुम कहीं और बात चलाओ। एक तो वो इवेंट बहुत लोकल है, वहाँ का क्राउड भी मुझे नहीं पसंद है। अरे तो सिक्योरिटी होगी ना यार वहाँ पे। आज हमारे देश में औरतों की सुरक्षा को लेकर कई सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर पा रही। आज हमारे साथ है फेमस गरबा सिंगर गहना दवे, जो खुद इस दरिंदगी का शिकार हुई है। तो गहना जी, आप इस बारे में जनता को क्या बताना चाहेंगे? कई दिनों से एक आदमी मुझे फॉलो कर रहा है। आज उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने पुलिस में भी उसके बारे में कंप्लेन की थी, पुलिस भी उस दरिंदे को पकड़ नहीं पा रही है। सुन, शक्ल पे और दर्द दिखना चाहिए। माँ लेकिन कैसे? बराबर, रोना बंद नहीं होना चाहिए। कभी कभी लगता है पैदा होते ही इसे मार क्यों नहीं दिया। कैसी बातें कर रही है दीप्ति? इतनी प्यारी बच्ची है तेरी, ये प्यार ना सबको नसीब नहीं होता है। और पैसे कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? ध्रुव के सारे पैसे घर खर्च में खत्म हो जाते हैं। इसकी दवाई के लिए भी ध्रुव पैसे नहीं देते हैं। गहना, तो मैं हूं ना। तो ये पैसे रख, और मैं हूं ना, कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी मैं श्रेया को। गहना रख, दोस्त हूं मैं तेरी, इतना तो कर ही सकती हूं मैं तेरे लिए। अरे मेहुल, जरा इसको हेल्प कर देना। ये देखो, ऐसी हालत में भी ऐसे स्कूटी से आई। अरे कोई बात नहीं। अरे तू चुप कर, धरा पहुंच के कॉल करना मुझे। चल निकलती हूँ, बाय। थैंक यू भैया। कितने पैसे लेके गई है आज? मुझे इग्नोर करने की हिम्मत मत करो। तो ये जो पैसे तुम उड़ा रही हो ना, ये सिर्फ तुम्हारे नहीं है, मैं भी मेहनत करता हूँ। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था ये मेहनत का पार्ट ना मुझे मत पढ़ाओ। कितना, ये औरत तुझसे सिर्फ पैसे लूट रही है। पहले श्रेया के नाम पे पैसे लेती थी, अब तो एक और आ गया, दो दो बहाने मिल गए। कैसी माँ है ये, बच्चों को आगे करती है पैसे के लिए। कम से कम वो माँ तो है ना, मुझे उतना भी नसीब नहीं है। भाई ठंडी का मौसम आ रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे गर्मी की मशीन तो हमारे चौल में भी है, बस रेट पूछना बाकी है। ये लो रखो, लगेंगे तो और मांग लेना। बस मुंह बंद रखना, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, और जाओ यहाँ से। ए, जाने के लिए नहीं आए, समझे ना? रख, माँ के इलाज में काम आएंगे। करना है ना माँ का इलाज, नहीं तो हमें बता, हम मार देते। मार दे क्या? मार देते। सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। कौन थे वो लोग, क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, वो लोग पता पूछ रहे थे, मैंने बता दिया। गहना, तुम्हारे सारे पेपर्स रेडी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, क्योंकि दूर की सोच आने वाले संकट को पहचान लेती है। अब तो मैंने सोच लिया है, और अरविंद जी यही एक रास्ता है। ओके
तुम्हें एफिडेविट तैयार करवा देता हूँ। मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो। थोड़ी पर्सनल है तो पता नहीं कैसे पूछूं। पूछो ना गहना, कोई बात नहीं पूछो। गहना गहना ये लोग घर पे नहीं है ये? पता नहीं सर, शायद कहीं बाहर गए होंगे। आप कहाँ रहती हैं? मैं ऊपर वाले फ्लोर पे रहती हूँ। सर, सर क्या हुआ सर? आप लोग, सेक्रेटरी का फोन आया था मेरे पास। तेरी बीवी कहाँ है? सर वो तो काम से बाहर गई है। एक्चुअली मैं भी उसको फोन लगा रहा हूँ, दो तीन बार मैंने फोन लगाया, वो फोन नहीं पिक कर रही सर। गहना की बॉडी हमें जंगल की तरफ मिली, वो वहाँ क्या करने गई थी कुछ बता सकते हो? नहीं सर। ये रॉबरी का मामला नहीं है, मर्डर का मामला है, क्योंकि उसके पैसे और पर्स दोनों भी गाड़ी में मिले। लगता है आपसी रंजिश का मामला है। किसी पे शक? सर, सर कार्तिक, कार्तिक हो सकता है। कौन है ये? सर मैनेजर है, वो कल घर पे भी आया था। लेकिन एक बात तो है कि पार्टी बढ़िया थी। हैं? वाह 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 वाह, बढ़िया है। मेरा नुकसान करके तुम लोग मस्त पार्टी करके आ रहे हो ना, शर्म नहीं आती आप लोग को? ए कार्तिक आराम से, तमाशा मत करें। मैं तमाशा कर रहा हूँ, तू मेरे को सिखा मत। पिछली बार ये परफॉर्म करती तो ना मुझे पैसा लौटाना पड़ता, ना मेरा लॉस होता। लॉस? तेरा काय का लॉस हुआ? तेरे पैसे तो लौटा दिए ना। अरे तुमने तुम्हारी फीस लौटा दी, मैंने तो ऑलरेडी बाकी खर्चा किया था, उसका क्या? कार्तिक आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे एक इवेंट मिल चुका है, अच्छा इवेंट है, आप वो कर दो और पिछली बार का जो नुकसान हुआ है इसलिए फ्री में कर दो। ए दारू पी के आया क्या? फ्री में कर दे, तेरे रिश्तेदार लगते हैं हम। यहाँ गुंडागर्दी मत दिखा समझा, 1 मिलियन फॉलोअर है इसके, अगर एक पोस्ट किया ना पूरा ऑफिस बंद हो जाएगा तेरा। ए तू धमकी दे रहा है मुझे? ए समझा रहा हूँ मैं, धमकी दे रहा है तू मुझे? रहा हूँ मैं तुझे। कार्तिक मेहुल, एक मिनट मेहुल तुम अंदर जाओ, मैं बात करती हूँ। समझा देना इसे, तुम जाओ। कल ये झगड़ा हुआ और आज ये मर्डर। तुम क्या करते हो? सर मैं गहना का काम संभालता था। इसका मतलब गहना के जाने से तुम भी बेरोजगार हो गए। फेमस गरबा सिंगर गहना दवे का घर, वही गहना दवे जिनकी इवेंट की टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, उसी गहना की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई और उनकी लाश मट आइलैंड के जंगल एरिया में मिली। इस घटना से पूरी इंडस्ट्री में डर का और दहशत का माहौल। सर सर सर, सर देखिए आपकी कुछ गलत फहमी हुई है सर, वो हमारे बीच में इशू था लेकिन वो पर्सनल नहीं था सर, प्रोफेशनल था, उसके लिए मैं उसका खून क्यों करूंगा? ये पैसा है ना, अच्छे अच्छे लोगों से बुरी चीजें करवाता है। तूने धमकी दी थी ना उसको? नहीं धमकी नहीं दी थी सर मैंने, दी थी धमकी सर, दी थी, लेकिन सर उसी दिन वो सब कुछ सॉल्व हो गया था, सेटलमेंट हो गई थी हमारे बीच में। देखो गहना जी, ये जो इवेंट है ना ये मेरा लास्ट होप है। एक काम कर सकते हैं, मैं इवेंट करूंगी लेकिन फ्री में नहीं, जितना चार्ज करती हूँ उसके आधे पैसों में, ठीक है? हाँ मुझे आप ऑफिशियल मैसेज कर दो, वैसे मैं भेजती हूँ तुम्हें। वो 50% में काम करने के लिए तैयार हो गई थी। सर गहना के पीएम रिपोर्ट के अनुसार उसके ऊपर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से वार किया गया है, डेथ ऑफ रीजन है एक्सेसिव ब्लड लॉस और टाइम ऑफ डेथ है 12 बजे से 1 बजे तक, नो सेक्सुअल असॉल्ट। सर ये गहना के कॉल रिकॉर्ड्स वैसे तो क्लीन है सर, लेकिन जिस रात उसका मर्डर हुआ उस रात 11:40 पर उसे किसी दीप्ति का कॉल आया था और 12:15 किसी तरुण का कॉल, और सर गहना ने अपनी लोकेशन इस तरुण को भेजी थी। तरुण कौन है? गहना ने उसको लोकेशन क्यों भेजी होगी? सर ये वीडियो मिला है गहना के सोशल मीडिया पर। कई दिनों से एक आदमी मुझे फॉलो कर रहा है, लेकिन पुलिस भी उस दरिंदे को पकड़ नहीं पा रही है। अगर वो अरेस्ट नहीं हुआ ना तो मैं खुद को जला लूंगी। इस वीडियो की वजह से विमेन सेफ्टी के बारे में काफी डिबेट्स हुए थे न्यूज चैनल में, लेकिन हाँ सर एक बात है, इस वीडियो के बाद गहना बड़ी स्टार बन गई थी। कब की वीडियो? 3 साल हो गए सर। इस केस का बाद में क्या हुआ? वो स्टॉकर पकड़ा गया? शायद नहीं सर, मैं चेक करती हूँ। खानी मेहुल को मिलना होगा। अगर वो अरेस्ट नहीं हुआ ना तो मैं खुद को जला लूंगी। सर 3 साल पहले की बात है, मुझे लगा इसका जिक्र करके क्या फायदा, इसलिए नहीं बताया सर। डंडे गिरेंगे ना
तो बिना म्यूजिक का गरबा करना शुरू कर देगा सजवाल। सर सच ही बता रहा हूँ, 3 साल पहले की बात है, 3-4 बार ऐसा हुआ था। उस वक्त गहना को ज्यादा लोग जानते नहीं थे। क्या हुआ फिर, FIR का अरेस्ट किया किसी को? नहीं सर। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।